नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ऑल इंडिया न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर निर्माण को लेकर, राम मंदिर को लेकर के, और आज ये राम मंदिर पर खबर आज आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने पर मजबूर करेगा। और आज हम कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम लिख रहे हैं और हम भी इस खबर को जय श्री राम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिस भगवान राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के, भव्य कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण को लेकर के हमारे और आपके दिलों में हमारे पूर्वजों ने कितना कितने वक्त तक इस दृश्य को देखने के लिए तर्स किया, लेकिन आज वो दिन आ गया। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 370 खत्म हुआ था, 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, 5 अगस्त 2021 एक मोदी और योगी के द्वारा एक बड़ा फैसला है, आपको दिखाने जा रहा हूं, बस अनुरोध करूंगा 5 अगस्त 2021 आखिर क्या है यह फैसला, आपको बता दूं, अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर 2023 तक श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा और भारत समेत दुनिया भर के श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के हवाले से सूत्रों के अनुसार इस जानकारी आई है। इससे पहले भी राम मंदिर निर्माण का काम देख रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा था कि मंदिर का मुख्य परिसर 2023 के अंत तक तैयार हो जाएगा और इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए ये खोला जाएगा। आपको बता दें 2025 तक तो मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाएगा, लेकिन 2023 में ये दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। यानी कि राम मंदिर का जो सपना था हमारे और हमारे पूर्वजों का, वो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी को भी हम इसमें झुठला नहीं सकते, उनको भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्होंने काम को इतना बूस्टअप, इतना तेजी से काम करवाया राम मंदिर का। अगर कोई और सरकार होती, याद करिए क्या अखिलेश यादव होते, तो क्या ये मंदिर का काम इतनी तेजी से होता, कुछ ना कुछ अड़ंगा जरूर लग जाता। अभी हाल फिलहाल पिछले दिनों में आपने देखा ही था, भूमि विवाद को लेकर के, जमीन की कंट्रोवर्सी को लेकर के सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राम मंदिर में व्यवधान डालने का काम शुरू कर दिया था, और अब वो राम भक्त बन जाएंगे और फिर से यहां नंगा नाच करना शुरू कर देंगे, क्योंकि चुनाव है साहब। आगे बढ़ते हैं, इन सबके बीच में राम मंदिर को भले ही श्रद्धालुओं के लिए 2023 में पूजा को शुरू कर सकेंगे, लेकिन पूरे परिसर का निर्माण 2025 तक होने की उम्मीद है। मंदिर में ही म्यूजियम होगा, डिजिटल आर्काइव होगा, एक रिसर्च सेंटर भी यहां स्थापित किया जाएगा। म्यूजियम और आर्काइव के माध्यम से लोग अयोध्या और राम मंदिर के इतिहास के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा हिंदू संस्कृतियों के बारे में भी बताया जाएगा। एक एनआई का ट्वीट है, एनआई ने ट्वीट किया है, राम टेम्पल इन अयोध्या ओपन टू डिवोटी बाय दिसंबर 2013 सोर्सेज। इसका एक और ट्वीट है, इसमें कंप्लीशन ऑफ इंटायर राम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन अयोध्या इज एक्सपेक्टेड बाय द ईयर 2025 पे म्यूजियम डिजिटल आर्काइव एंड रिसर्च सेंटर आल्सो टू कम अप इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स सोर्सेज। बता दें आपको, आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को 1 साल पूरा हो चुका है। इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। कहा जा रहा है कि इवेंट में पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं। बीते साल कोरोना में पाबंदियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के भूमि पूजन किया था। अयोध्या के आयोजित सरकारी कार्यक्रम के तहत 100 से अधिक लोग पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना का लाभ दिया जाएगा इस अवसर पर। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लाभार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें बात की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।